हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आज अपने पास एक प्रिंटर आया है, एचपी का इंकजेट प्रिंटर है। इंक टैंक 3119 319 मॉडल है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि ब्लैक प्रिंट तो बहुत अच्छा आ रहा है मगर कलर एक भी नहीं आ रहा है, तीनों कलर नहीं आ रहे हैं। तो आज अपन इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है यदि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं टेस्ट प्रिंट करके कि प्रिंट कैसा आ रहा है। ठीक है, टेस्ट प्रिंट के लिए आपको क्या करना है, कलर वाला जो फोटोकॉपी वाला बटन है उसको होल्ड डाउन करके रखे रहना है। अभी इसमें एक टेक्स्ट प्रिंट आएगा, टेक्स्ट प्रिंट अभी करके देखते हैं अपन कि प्रिंट कैसा आ रहा है। ये देखिए अपना ब्लैक तो आ रहा है इसमें, ये देखिए ब्लैक प्रिंट आ रहा है मगर कलर एक भी नहीं आ रहा है, ये देखिए है ना। तो अपन को इसको खोल के पहले चेक करना पड़ेगा कि हेड लगता पूरा सूख गया है कि क्या प्रॉब्लम है, पहले चेक कर लेते हैं। प्रिंटर को अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले प्रिंटर को आप ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पे दो स्क्रू दिए हुए हैं आपको, इन दोनों को ओपन कर लेना है। ठीक है, और ऊपर ये दो स्क्रू दिए हुए हैं, अपन इसको ओपन कर लेते हैं पहले। इसी प्रकार आपको ऊपर वाला भी खोल लेना है। और इसको बहुत आराम से निकाल लेना है। मैं निकाल लेता हूँ इसको, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए मैंने निकाल लिया है इसको। ये दो केबल लगी रहती है, ये दोनों केबल को बहुत अच्छे से निकालना है। निकाल के अपन इसको रख देते हैं साइड पे। अब चेक करते हैं कि इसमें हेड में कलर क्यों नहीं आ रहा है। प्रिंटर की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाइप में तो पूरे कलर आ रहे हैं, मतलब प्रिंटर ने एयर नहीं ली है ना, मगर फिर भी इसका कलर प्रिंट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं। कई बार ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका कलर हेड होता है ना वो भी ख़राब हो जाता है ना, तो उसके कारण भी ऐसा होता है। जिस कंडीशन में भी ये है, क्योंकि प्रिंटर में एक भी एयर नहीं है इसके पाइप में, देखिए है ना। इसको चेक करने के लिए कि सही है कि ख़राब है, एक आपको कागज़ ले लेना है। कागज़ लेने के बाद आपको इसमें लगा के चेक करना है। ये देखिए यही प्रिंट है, इसमें ब्लैक सही आ रहा है। तो ब्लैक वाले हेड को अपन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया आ रहा है। कलर वाले में एक भी कलर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं इसके नोजल में कुछ कलर है कि नहीं है। इसके नोजल में कलर नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको कॉटन से साफ करते हैं नोजल को, और क्लीन करके देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। नोजल तो बहुत बुरी तरीके से इसके डैमेज हो चुके हैं, मगर फिर भी अपन इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा है कि आपको टूल परचेस करना पड़ेगा।
ठीक है। ये टूल क्या होता है कि ये यदि आपका प्रिंट हेड यदि ब्लॉक हो जाता है, एयर निकालने के लिए भी काम आता है ये, है ना। तो सक्शन टूल होता है ये ब्लैक के लिए होता है, ये कलर के लिए होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन हेड में इंक फिल करेंगे, ठीक है। हेड में इंक फिल करने के एक तरीका और है, यदि आपके पास ये टूल नहीं है तो। तीन सिरिंज लेनी है, श्यान, मेजेंटा, येलो, एक एक करके तीनों में कलर आपको 3-3 ml डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक तरीका ये है, यदि आपके पास सक्शन टूल है तो इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको इससे करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। प्रिंटर को थोड़ा सा अपन आगे कर लेते हैं, अपने को सीरीज ले लेनी है एक, और ये टूल में इसको अच्छे से प्रेस कर देना कि इंजेक्शन से अपन खींचें तो आराम से आ जाए, ठीक है। इसको निकाल लेना है आपको। अब देखिए ये है कलर वाले नोजल, जैसे आपका हेड लगता है वैसे इसको लगा दीजिए अच्छे से, ठीक है। ऐसे लगा देना है आपको, लगाने के बाद इसको दबा देना है, ठीक है। दबाने के बाद जो आपकी सिरिंज है इसको आपको अच्छे से यहाँ पे रखना है अटैच करके, और धीरे से इसको शक करना है। इससे करने से क्या होगा कि इसके पूरे कलर प्रॉपर तरीके से ये प्रिंटर ले लेगा, इसके हेड में पूरे इंक फिल हो जाएंगे, ठीक है। इससे करने से क्या होगा, कोई भी एयर नहीं आएगी, है ना, पूरे कलर प्रॉपर तरीके से हेड में फिल हो जाएगा, क्योंकि जो ये हेड डिज़ाइन किया गया है इसके अंदर कुछ फॉर्म टाइप का रहता है। अभी जैसे ये मैंने कलर ले लिया है, अब पूरे प्रॉपर तरीके से देखिए इसमें कलर आपको दिख रहा होगा ना। इसको कपड़े से साफ़ नहीं करना है, कॉटन से साफ़ करिएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हो गया है। तो अपन अभी थोड़ा सा और करेंगे, आप सबके बहुत मैसेज आए मेरे पास कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है। तो आज मैं सोच रहा कि एक प्रिंटर आया है, क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाएं और ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे आपको आपको सलूशन दें, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर आ गया है, इसको वापस से निकाल लेना है। निकालने के बाद अपन इसको क्लीन करते हैं पहले हेड को, और फिर चेक करते हैं, ठीक है। आइए इस साइड आइए। ये देखिए हमने ये पूरी एक सिरिंज खींच ली थी, सबसे पहले अपन हेड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए अब इसमें इंक आ रही है, पहले एक भी नहीं आ रही थी। ये देखिए पूरे तीनों कलर आ रहे हैं। थोड़ी देर इसमें ना पेज में इसे दबा के रखना है कि थोड़ा सोके और इंक प्रॉपर वे में आने लगे। ये देखिए हेड भी मेरे को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था कि जैसे खाली हो गया हो। ये देखिए है ना, तीनों कलर आ रहे हैं ना इसके। ये देखिए ये तीनों कलर आ रहे हैं, है ना। तो ये फिल हो गया है इस टूल की मदद से। और एक तरीका जो मैं आपको बताया हूँ कि आप एक एक करके भी इसमें फिल कर सकते हैं, और यदि आपके पास ये टूल हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक ही बार में ही काम करता है, इसमें आप परेशान भी हो सकते हैं। और ये इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप इसको परचेस कर सकते हैं इस टूल को, ये आपके काम आता रहेगा। ये देखिए प्रॉपर वे में सब आ रहा है, पूरे कलर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से कलर आ रहे हैं, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। अपन अब इसको पहले हेड को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि काम आप साफ़ सुथरा करेंगे तो अच्छा रहेगा।
आइए फ्रेंड्स, अब इसको अपन हेड लगाते हैं प्रिंटर में। ये मैं हेड लगा दिया हूँ। स्प्रिंग दी रहती है, इसको आराम से दबा देना, ठीक है। प्लगिंग कर दिया हूँ, ढक्कन बंद कर दिए। अब अपन लगाते हैं सबसे पहले इसका स्कैनर और फिर प्रिंटर को चालू करते हैं। ये देखिए, ये है स्कैनर वाली केबल, इसको बहुत ही अच्छे से लगाना है आपको। और ये है डिस्प्ले केबल, प्रिंटर में ये प्रिंटर को पैक कर दिए। अब स्क्रू से कसिएगा नहीं इसको, सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं। अब इसमें पीछे पावर केबल लगा लेते हैं अपन। प्रिंटर को ऑन करते हैं। इसमें कागज लगा देते हैं। प्रिंटर रेडी हो गया है अपना। ये देखिए, जीरो आगे लिखा हुआ और पावर ऑन ऑफ वाली लाइट भी इसकी लगातार जल रही है, ग्लो हो रही है। अपन अब इसमें टेस्ट प्रिंट निकाल के देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। कलर वाले बटन को होल्ड डाउन करना है और वेट करना है। जब पावर वाली लाइट आपकी ग्लो करने लगे तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट है, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि आप हेड चेंज करना, तो हेड चेंज कर दीजिए। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या है इसका। बहुत बढ़िया, ये देखिए आपके पूरे कलर आ गए हैं इसमें। दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए प्रॉपर पूरे कलर आ गए इसमें, ठीक है। मेरे को बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें। तो आज मैं इसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ आपको, कि यदि आपके हेड में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि एकदम ब्लैंक पेज आ रहा है, तो आप ऐसे मेथड से कर सकते हैं। हाँ, प्रिंटर पे कोई एरर नहीं आना चाहिए हेड का, है ना। यदि प्रिंटर में कोई एरर आ रहा है हेड का, तो आप एक बार हेड को खोल के जो उसकी पिनें होती है उसको थिनर से थोड़ा सा क्लीन कर लें और फिर लगा के देखें। यदि तो भी यदि हेड का एरर आ रहा है, तो आप फिर हेड ही चेंज करें, इसमें जो उसका प्रिंट हेड होता है वो चेंज करें, ठीक है। यदि आपके प्रिंटर में कोई भी एरर नहीं आ रहा है, तो ये मेरे इस मेथड से आप इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। ये किस मॉडल के ऊपर अप्लीकेबल है, जो अभी आपके आते हैं 316, 319, 416, 419 सीरीज में, और जो पुराने HP के प्रिंटर होते थे 5810, 5820, ये जितने पुराने मॉडल हैं ये उन पे ये मेथड है। और जो नए मॉडल आते हैं स्मार्ट टैंक आपके 500, 516 जो नए मॉडल आ रहे हैं, उसका मैं आपको इंक फ्लैश करने का तरीका, हेड इंक चार्ज करने का तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ उन प्रिंटरों के लिए। ये मेथड है पुराने मॉडलों के लिए, है ना, जो आपके 316, 319 मॉडल के लिए। तो एक बार अपन इसका हेड क्लीन भी करते हैं। तो हेड क्लीन करने का तरीका इसका क्या था, पावर को होल्ड डाउन करना है, ब्लैंक वाले को, कैंसिल वाले को आपको दो बार दबाना है और कलर को एक बार, ठीक है। करते हैं एक बार ब्लैक, एक दो और कलर, तो छोड़ देना आपको, वेट करना है। जब तक ये ग्लो लगातार नहीं करती, तब तक आपको इंतज़ार करना है, वेट करिए आप।
ये देखिए, ठीक है, अब ये हो गया आपका। अपन अब इसमें एक फोटो कॉपी करके देखते हैं, इसी पेज की अपन फोटो कॉपी करते हैं, कलर में करते हैं। इन मॉडलों में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इंक टैंक से खत्म नहीं होने देना आपको, है ना, खत्म होने के पहले ही फिल करना है। ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा प्रिंट आ गया। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसकी हम फोटो कॉपी किए हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये फोटो कॉपी, ये ओरिजिनल है, ठीक है। हेड को रिकवर करने के बाद का ये प्रिंट है और प्रिंट बहुत बढ़िया आया है। अब ये जो हल्की फुल्की जो कसर होगी, यदि बची होगी, तो आप लगातार प्रिंट आउट करते रहेंगे, कलर्स निकालते रहेंगे, तो अपने आप नोजल ओपन हो जाएंगे। ज़्यादा अभी आपको ओवर क्लीन नहीं करना है, इससे आपके हेड के नोजल डैमेज हो सकते हैं, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अपन अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका टेस्ट प्रिंट करके, कि पूरे इसके चारों कलर प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अब टेस्ट प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या है, आपका पावर होल्ड डाउन करना है, कैंसिल वाला एक बार, कलर वाला आपको तीन बार प्रेस करना है। अब ये जो प्रिंट निकल रहा है, टेस्ट प्रिंट निकल रहा है, ये चारों कलर चेक करने के लिए है ना, कि प्रॉपर वे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। थोड़े से आपके पेज वेस्ट होंगे, मगर आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा प्रिंट का हेड सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये देखिए प्रॉपर वे में प्रिंट हो रहे हैं, कोई भी मिस प्रिंट नहीं है, डबल प्रिंट नहीं आ रहा है इसमें, इससे ये भी कंफर्म हो जाता है आपका, है ना। इसको कंटिन्यू दो मिनट चलने देते हैं, आज ये भी देखते हैं कि कितने प्रिंट आउट निकालता है एक बार कमांड देने पे। ये भी दो प्रिंट निकल चुके हैं, और इसका टेस्ट प्रिंट करने से एक बेनिफिट ये है कि जो थोड़ा बहुत एयर भी होगा ना, वो एयर भी खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि यदि आप देखे होंगे वीडियो पे, जब मैं प्रिंट हेड को इंस्टॉल किया था तो इंक हल्की फुल्की पीछे बैक हो गई थी, तो अभी अपन वो भी खोल के चेक कर लेंगे कि इंक अपने पाइप में एयर ख़त्म किया कि नहीं किया। जब भी प्रिंट हेड को आप क्लीन करें, तो ये टेस्ट पेज दे के चेक जरूर चेक कर लीजिए, है ना। और ये काम जब भी करें, तो आपके जो पाइप है उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, है ना, एयर को ख़त्म कर लीजिएगा, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा एयर होगी पूरे पाइप में, तो ये फिर से दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। अभी जैसे मैंने इस प्रिंटर को हेड को रिकवर किया है, तो अभी ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं आएगी, क्योंकि पाइप में एक भी एयर नहीं है, जो थोड़ी बहुत है वो भी अब ये जो मैं टेस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, जो प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ, उससे वो ठीक हो जाएगा। ये अपने अभी 5 प्रिंट आउट निकल चुके हैं, 5 निकल गए हैं, देखते हैं अभी और कितना निकालता है ये। ये 6 प्रिंट आउट हो गए हैं, HP में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये लगातार प्रिंट आउट करता ही रहता है, और एप्सन से यदि इसको कंपेयर करें तो HP वाकई में थोड़ा सा फास्ट है एप्सन से।
ये कंपेयर वीडियो भी बनाएंगे। आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा यदि आपको ऐसी कुछ वीडियो चाहिए होगी कि कैनन एचपी और एप्सन को बीच में कंपेयर करने की। अपन सब में 25 प्रिंट आउट मारेंगे, फोटोकॉपी भी करके देखेंगे और प्रिंट आउट भी करके देखेंगे। देखते हैं फिर कि फास्ट प्रिंट आउट किसका है। देखिए अभी ये लगातार ले ही जा रहा है, मतलब ये टेस्ट कमांड लगातार चलता रहेगा। तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये जैसे मैं अभी कैंसिल कर दिया हूँ, क्योंकि पेज अपन वेस्ट क्यों करें, क्योंकि अपना प्रॉपर वे में बहुत बढ़िया प्रिंट आउट आ रहा है। ठीक है, अपन अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा पाइप पे एयर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं प्रिंट हेड लगा रहा था तो थोड़ा बहुत पाइप पे एयर आ गया था। देखिए इसको ओपन कर लेंगे, जब ये दो स्क्रू खोल लेंगे ना, तो स्क्रू खोलने के बाद इसको आपको पीछे से पकड़ना है, ऐसे उठाना है और आगे से ऐसा पीछे खिसका देना है। ठीक है, खिसका के ऐसे उठा लेना है। आइए अपन चेक करते हैं। ये देखिए ब्लैक में हल्का फुल्का एयर है, वो भी अभी रिकवर हो रहा है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिकवर हो जाएगा। अपन एक बार इसमें हेड क्लीन करते हैं। हेड क्लीन भी आप ना दो बार प्रोसेस कर दीजिएगा, दो तीन बार प्रोसेस कर दीजिएगा, जो ब्लैक में थोड़ा बहुत एयर होगी पाइप में वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए ये हल्का बीप बीप करता है ना, देखिए एक बबल था आपके ब्लैक वाले पाइप पे, वो ख़त्म हो गया है ना। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये आगे साइड था एक बबल, अभी हल्का फुल्का ये बबल है, तो इसको भी अपन रिमूव कर सकते हैं। आपको फिर से एक हेड क्लीन करना है। देखिए वो भी ख़त्म हो गया आपका। इसी प्रकार आप दो बार प्रिंट हेड क्लीन कर लीजिएगा, है ना, तो ये भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और जिस प्रकार ये भाई साहब ने प्रिंटर अपना रखा है, तो कृपया आप ध्यान दें, ये देखिए इसमें पिन विन गई हुई है, तो अपन इसको क्लीन कर लेंगे अभी, है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरी ये सॉल्यूशन के ऊपर, और कुछ आपको अपडेट चाहिए हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो। इसको बड़े प्यार से आपको लगा देना है, ठीक है, और स्क्रू लगा दीजिएगा। अभी मैं स्क्रू नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इसको क्लीन करना है अच्छे से, अंदर से एक बार क्लीन कर दूँ मैं इसको। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो पे, और आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करूँगा उसके ऊपर अपडेट देने की। ओके, बाय बाय।